सिक्की उपमंडल की दूरस्थ पंचायत सरली में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि हिमांशु मिश्रा आईजी दक्षिणी रेंज ने शिरकत की। सर्वप्रथम हिमांशु मिश्रा को पुलिस की सर्मोनियल गार्ड द्वारा सम्मान दिया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों को बधाई देते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस स्थान पर पुलिस चौकी का होना अत्यंत आवश्यक था। उनका कहना था कि पुलिस स्टेशन अर्की से अर्की विधानसभा क्षेत्र की आखिरी सीमा लोहार घाट व ब्रह्मपुखर लगती है। उनका कहना था कि इस चौकी की नोटिफिकेशन वर्ष 2020 के जनवरी माह में हुई थी, लेकिन कोविड-19 व अन्य कारणों के चलते पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ। उन्होंने कहा कि इस पुलिस चौकी के अंतर्गत लगभग आने वाली 5 पंचायतें आती हैं एवं 85 राजस्व गांव आते हैं तथा इन पंचायतों में होने वाले किसी भी अपराध की जांच के लिए पुलिस को अर्की से पहुंचने हेतु 1 से 2 घंटे का समय लग जाता था, लेकिन इस पुलिस स्टेशन के बनने से इन पंचायतों में होने वाले किसी भी अपराध पर तुरंत लगाम लगाई जा सकेगी एवं पीड़ित लोगों का धन व समय की बचत होगी। डीएसपी दरलाघाट श्री प्रताप जी, मैडम रंजना जो लोकल पंचायत की स्थानीय पंचायत के प्रधान है, आपके जो नई चौकी यहाँ पे खुली है, इनके इंचार्ज हेड कांस्टेबल कपिल, आप सब महानुभाव जो यहाँ पे अपना वक्त निकाल के उपस्थित हुए हैं, महिलाओं, बच्चों और पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सबको इस चौकी के यहाँ पे स्थापित होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ आने से पहले मेरे मन में एक भ्रम था, क्योंकि जब मैं अपराध की स्थिति देख रहा था इस एरिया में तो क्राइम कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता यहाँ पे, तो मैं मन ही मन अपने आप से एक प्रश्न पूछ रहा था आने से पहले कि क्या ये चौकी का स्थापित होना यहाँ पे न्यायोचित है, क्या ये जस्टिफाइड है। लेकिन अर्की से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरा भ्रम दूर हो गया और मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ कि यहाँ पे चौकी स्थापित होना कितना लाजमी था और ये कितना सही निर्णय हुआ है सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से। आपकी आपकी जो डिमांड थी, आपकी मांग बिल्कुल उचित थी। ये एरिया वास्तव में थाना अर्की का बैकयार्ड पड़ जाता है, दूर है, रिमोट है, छोटी छोटी बात के लिए अर्की थाने के में जाना जो यहाँ से शायद 30 से 35 किलोमीटर दूर है, बार बार संभव नहीं होता। कैरेक्टर वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, छोटी मोटी कोई शिकायत का निवारण होना है, कोई और समस्याएं होती हैं आपस में गांव में, कई बार खींचातानी हो जाती है, ज़मीन के विवाद हो जाते हैं, तो पुलिस को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। थाना अर्की से रिस्पॉन्ड करने में निश्चित तौर पर वक्त लगता है, ट्रांसपोर्ट नहीं होता है तो वो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से इस चौकी का इस स्थान पे स्थापित होना एक बहुत ही अच्छा एक निर्णय है और आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इस चौकी के अधिकार क्षेत्र में 5 पंचायतें आएंगे, 80 से ज़्यादा गांव आएंगे, काफ़ी बड़ा एरिया इस चौकी के अंतर्गत आएगा और एक जो सरकार की सोच है, पुलिस विभाग की सोच है कि जो पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस का जो तंत्र है, पुलिस की जो एक सुविधा है, वो हर छोटी छोटी जगह पे पहुंचाई जाए। पहले जो सोच हुआ करती थी, लोग चौकी या थाने को अपने एरिया में स्थापित होने से उनके मन में थोड़ा शंका रहती थी कि ये थाना यहाँ पे आ गया है, हमें परेशानी होगी, ठीक है, और ये हमें ही तंग करेंगे, ऐसी सोच हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ वो सोच बदल चुकी है। अब लोग चाहते हैं कि पुलिस चौकी या पुलिस थाना का स्थापना होना एक सुविधा है, एक ही व्यवस्था का पार्ट है, एक ही सुविधा है, ये सुविधा होनी चाहिए, ये सुविधा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सोच में एक परिवर्तन आया है, ये एक अच्छी एक निशानी है, एक प्रोग्रेसिव विचार है और उसी के तहत जो है ये सारी कार्रवाई हो रही है। और छोटी छोटी जगहों पे भी चौकियाँ खुल रही हैं, जो पुरानी चौकियाँ बहुत सालों से बनी हुई थी, चौकियों को अपग्रेड किया जा रहा है, थाना बन रहा है। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि आज से कुछ वर्ष बाद
यही चौकी आपके रहते रहते इसका स्तर ऊंचा होके और ये थाना बन गया। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत सालों से चौकियाँ चल रही हुई थी, जो एक पुरानी सोच थी पुलिस विभाग में भी कि चौकी या थाना वहाँ स्थापित होगा जहाँ क्राइम ज़्यादा होगा, जहाँ अपराध ज़्यादा होगा, FIR जहाँ पे ज़्यादा होंगी, शिकायतें जहाँ पे ज़्यादा होंगी, उस सोच में भी अब परिवर्तन हो रहा है। अब ये देखा जा रहा है कि पुलिस सुविधा को हम दूर से दूर दुर्गम क्षेत्रों में किस तरीके से पहुँचा सकते हैं ताकि लोगों को उस सुविधा का लाभ मिल सके। ठीक है, अब पुलिस जो है वो मात्र ये एजेंसी नहीं रह गई है कि आपका अगर कोई अपराध हो जाए तो उसी कन्वेंशन करना है, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन है आपकी। ठीक है, बहुत सारे पासपोर्ट्स की वेरिफिकेशन होती है सर्विस के। अर्की से नीरज गुप्ता की रिपोर्ट।